हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट असलम सोनू, और आप देख रहे हैं हिंदी में जाने। तो गाइस, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फेसबुक अकाउंट जो डिसेबल्ड हो रहा है, बहुत सारे का हो चुका है, और जैसे कि मेरा भी आज जो है फेसबुक अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है। तो उसे रिव्यू में कैसे डालना है और अनडिसेबल कैसे करना है, तो एक्टिवेट कैसे करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं गाइस आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रिक है और काफ़ी आसान ट्रिक है। आपको जो है 24 घंटे के अंदर जो है आपके अकाउंट एक्टिव हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने अकाउंट दिखा देता हूँ क्या है। देखो मैं मेरे अकाउंट में ये आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। तो गाइस इससे पहले कि मैं आपको ऐसा डाउट हो, तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए जस्ट कोई सा भी ब्राउज़र में आपको ओपन करनी है। ब्राउज़र में जो है आपको facebook.com लिखना है। facebook.com लिखने के बाद जो है ये मेरा नंबर आ गया, और मैं इसे अपने नंबर से साइन लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, यू कांट एक्सेस यूज़ योर फेसबुक बिकॉज योर अकाउंट और एक्टिविटीज़ ऑन डिडंट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। वी हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस डिसीजन एंड इट कांट बी डिसेबल। टू लर्न मोर अबाउट दिस रीज़न वाई वी डिसेबल अकाउंट विजिट टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड। सो गाइज, तो आपको यहाँ बता रहा है विजिट टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और ये देख लो, ये मेरे नीचे में जो है नाम आ रहा है नॉट असलम लॉगिन है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल अकाउंट है गाइज। तो अब जो है मैं आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ होगा, तो गाइज मैं दिखा दूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है, COVID-19 के बारे में बताते हैं, और ये अपनी जो है ये पॉलिसी के बारे में बताता है। तो गाइज, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ करना क्या है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो भी मेरी वीडियोस होंगी वो काफ़ी मतलब रेट के इसमें अच्छी वीडियो होती है, और जो मैं ट्रेंडिंग में चल रही होती है मैं उसके बारे में आपको वीडियोज़ बनाता हूँ। तो गाइस स्टार्ट, ये हमारे चैनल है, आपको जो है हिंदी में जाने पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करनी है, और उसके बाद जो है और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं करना क्या है। तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, जो कि लिंक ये है मेरा facebook.com वाला लिंक है। इस पे जो है आप क्लिक करके डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, उस वेबसाइट पे पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से आप अपील कर सकते हैं। तो गाइस ये वाली लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस पर मुझे क्लिक करनी है। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आ गया, एक्सेसिंग यू डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। सो गाइज इसे पढ़ लेना, फेसबुक प्रोवाइड्स विद, आपको जो है मतलब अगर मैं पढ़ता हूँ इसे तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे और ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी गाइज। तो मैं आपको बता दूँ, आपको पूरे एंड तक देखना है, जब तक एंड तक नहीं देखोगे गाइज तो फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है और मे बी आपके अकाउंट जो है एक्टिव ना हो, ठीक है गाइज। अगर आप पूरे देखते हो तो मैं आपको 24 आवर्स के अंदर मतलब ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगी। तो आपको जो है सबसे नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो है दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन, ओके इस पर आपको क्लिक करनी है। मैंने इसे पूरे फाइल्स को पढ़ रखा है। तो उसके बाद जो है नीचे आना है, और नीचे में जो आना है उसके बाद जो प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन पर आना है, और उसके नीचे आना है आई कांट एक्सेस माई फेसबुक अकाउंट, आई वॉन्ट माई कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है गाइस। तो आपको इस पर क्लिक करनी है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एक फिर से ऑप्शन आ जाएगा, उसमें हाउ टू एक्सेस योर फेसबुक अकाउंट, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड इज आई डी एक्टिवेटेड माई अकाउंट, थर्ड इज माई अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, ओके थर्ड वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इसमें आपको इस फॉर्म है इसे आपको फिल करनी है। फिल करने के लिए जो है आपको अपना फुल नेम डालना होगा, जो कि मैंने डाल दिया है। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री पर आपको जो है जो आपका कंट्री है, लाइक मैं इंडिया से हूँ तो आप मैं इंडिया यहाँ पे फिल करूँगा, आप अगर कहीं और से भी हो तो आप ये वो फिल कर लेना। तो गाइस मैंने इंडिया फिल कर लिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको इसमें फिल करनी है, जो कि मैं ईमेल एड्रेस मैंने आप डाल दिया। उसके बाद जो है कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालना है उसके, ओके गाइस। उसके बाद जो सबसे नीचे में जो है आपको आई एग्री करना है, एग्री करने के बाद जो है सेंड कर देना है, सेंड पर क्लिक करेंगे फॉर्म देख लेना है सही से फिल हो गया है। उसके बाद जो है सेंड पे क्लिक करना, उसके बाद कैप्चा आएगा, आपको कैप्चा वेरीफाई करना है। कैप्चा में जो है जो मेरे पास आ रहा है कैपिटल एक्स और EEEEEEE है AN, मे बी गलत ना हो जाए, ओके वो गलत था, रॉन्ग कैप्चा था। तो अब जो है कैपिटल पी स्मॉल जेड कैपिटल के कैपिटल पी
सॉरी स्मॉल जे कैपिटल टी पे, सो कैप्चा वेरीफाइड हो जाएगा। ये रहा कैप्चा वेरीफाई हो गया गाइस। तो अब इसमें करना क्या है आपको, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, जो है ध्यान से देखना है वीडियोस को। उसके बाद जो यहाँ पे आपको लिखना है माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज डिसेबल्ड, ओके माय पर्सनल अकाउंट इज़ डिसेबल्ड या माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज़ डिसेबल्ड पे क्लिक करनी है। और जो है आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो है एक बार इसमें देखना है माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज़ डिसेबल्ड पे क्लिक करनी है, जो फर्स्ट में आंसर है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप आपके पास एक डायरेक्ट खुल जाएंगे। ओके गाइस, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज डिसेबल्ड, हाउ डू आई नो इफ माय फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो इसका आंसर, इफ़ योर फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड यू विल सी मैसेज सेइंग योर अकाउंट इज डिसेबल्ड व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन। इफ यू डोंट सी डिसेबल्ड मैसेज व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन, यू माइट बी हैविंग डिफरेंट लॉग इन प्रॉब्लम, लर्न हाउ टू फिक्स। ओके, ये सेकेंडली जो है वाई इज़ माई अकाउंट डिसेबल, वी डिसेबल फेसबुक अकाउंट डैट डोंट फॉलो द फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक सम्स एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग ए कंटेंट दैट डजंट द फॉलो द फेसबुक टर्म्स यूजिंग ए फेक नेम इंप्रेसिंग समवन्स कंटिन्यू बिहेवियर दैट्स नॉट अलाउ द फेसबुक वैल्यूटिंग और कम्युनिटी स्टैंडर्ड कनेक्टिंग द अदर पीपल फॉर द पर्पज ऑफ हैरेसमेंट एडवर्टाइजिंग प्रमोटिंग और अदर कंडक्ट दैट्स नॉट अलाउड। ओके गाइस, तो आपको इसे नीचे आना है, व्हाट कैन आई डू इफ माई अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। सो आपको सबसे नीचे आके ये वो फोकस करनी है, इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज डिसेबल्ड बाय मिस्टेक प्लीज़ उसके यूज़ दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट रिव्यू, इस पर क्लिक करनी है जो कि यहाँ पे है, इफ़ यू थिंक वाले पे ऑप्शन में मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो है आपको एक फाइल खुल जाएगा, एक टैब खुल जाएगी जिसमें कि आपको माय पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल्ड होगा, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको योर फुल नेम देना है, उसके बाद जो है आपको एक आईडी अटैच करनी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आईडी मिली हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट। ओके, तो आप इस सब की जो है कोई सा भी फाइल्स एक अटैच कर सकते हो जिसमें कि आपको जो है 25 MB की समथिंग की होती है, उससे नीचे की फाइल्स आप अटैच कर सकते हो, उसमें कि आप नीचे पढ़ भी सकते हो, वी मे स्किप एंड स्टोर योर आईडी फॉर अप टू 1 year टू इम्प्रूव आवर ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर द डेडिकेटिंग फेक्स आई डी, यू विल बी स्टोर्ड सिक्योरली एंड यू विल नॉट बी विजिबल टू एनी वन ऑन फेसबुक। इफ़ यू डोंट वॉन्ट फेसबुक टू यूज योर आई डी टू इम्प्रूव योर ऑटोमेटेड सिस्टम टू डेडिकेटिंग द फेक आई डीज, यू कैन एडजस्ट योर आइडेंटिटी कन्फर्मेशन सेटिंग। इफ़ यू टर्न दिस ऑप्शन ऑफ द कॉफी योर आई डी विल बी डिलीटेड विद इन 30 days ऑफ द सबमिशन और वैन यू टर्न दिस ऑप्शन ऑफ विजिट द सेंटर। ओके, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, इसमें जो आपको चूज फाइल पर क्लिक करनी है, और उसमें चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है आप टेक फोटोज़ पर भी क्लिक कर सकते हो, फोटो लाइब्रेरी भी क्लिक कर सकते हो, ब्राउज भी क्लिक कर सकते हो। आपके पास फोटोज़ क्लिक किया हुआ नहीं है तो टेक फोटोज़ पर क्लिक करनी है, उसमें आधार कार्ड जो भी आपको लेना चाहिए वो ले सकते हैं। अब मैंने फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करनी है सेकेंड वाले ऑप्शन पर, और फिर मैंने इसे ओपन किया और ये जो है मैंने अपने आधार कार्ड वाले को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद जो है मैं आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, सेंड पे क्लिक करेंगे। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल गेट फिक्स एज सून एज वी कैन। ओके गाइस, तो सो नाउ